गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज कृष्णा वर्मा और आप देख रहे हैं कृष्णा एंटरटेनमेंट चैनल। पिछली वीडियो में हम प्लेनर मैपिंग कर चुके हैं, तो आज की जो क्लास होगी प्लेनर मैपिंग के ऊपर बम्प मैप कैसे अप्लाई करेंगे वो हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो हम चलते हैं, वो फाइल ओपन कर लेते हैं। पिछली फाइल हमारी शर्ट की थी। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह से प्लेनर मैपिंग असाइन करना है और फिर उसके बाद ये टेक्सचर हमने उस पर असाइन किया हुआ था। ये रहा उसका यूवी और ये उसका टेक्सचर। अब हम इसके ऊपर कुछ रिंकल की बात कर रहे थे, तो अगर इसके ऊपर रिंकल भी होता तो और भी ज़्यादा बेटर पड़ता। फोटोशॉप की फाइल में चलते हैं और वहाँ पे इसका रिंकल्स क्रिएट करते हैं। इसके साथ साथ गाइज, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो फोटोशॉप की फाइल हमारी ओपन हो गई है और अब हम इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं बम्प मैप। अप्लाई नहीं करेंगे। सो फोटोशॉप की फाइल हमारी ओपन हो गई है, अब हम ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर इसके ऊपर असाइन करेंगे क्योंकि हमें बम्प यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा कि ये कलर को बंद कर दूँगा पहले और इस कलर को, जो बेस कलर है, बेस कलर गोज टू ब्लैक। सॉरी, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से हम इसे ब्लैक कर देंगे। ओके, ये हमारा हो गया ब्लैक। ब्लैक होने के बाद हमें यहाँ पे व्हाइट कलर लेना है। यहाँ पे मैं व्हाइट कलर ले लूंगा और एक ब्रश ले लूंगा यहाँ से। एक बात ध्यान में रखना कि बम्प मैप जो होती है ना, वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट के थ्रू होती है। ब्लैक एरिया आपको अंदर की तरफ ले जाती है, व्हाइट एरिया जो होती है वो ऊपर की तरफ उभारती है, उठाती है। तो अब ये हाथ का हिस्सा है, तो यहाँ से हम रिंकल्स जनरेट कर सकते हैं। न्यू लेयर लेंगे यहाँ पे, क्रिएट अ न्यू लेयर। न्यू लेयर का हम नाम दे देते हैं रिंकल्स, जो भी हो। उसके बाद अब रिंकल्स क्रिएट करना चालू कर देते हैं। एक इस तरह से, सपोज मैंने कुछ इस तरह से रिंकल्स यहाँ पे जनरेट कर दी है। ओके, ये वाइट। अब मैं इस लेयर को सेलेक्ट करके फिल्टर गैलरी में जाऊंगा, फिल्टर में ब्लर, और यहाँ पे मैं जरा सा इसे ब्लर कर देता हूँ, गॉजर ब्लर अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से, ज़्यादा नहीं, इतना सा कर देते हैं, ब्लर अप्लाई कर देते हैं।
ब्लर अप्लाई कर दिए। अब यूवी वाला जो लेयर था वो मैंने कर दिया है हाइड। अब इसे सेव एज कर लेता हूं मैं, सेव एज जेपीईजी फॉर्मेट में, टी शर्ट बम्प के नाम से मैं सेव कर देता हूं। कहाँ पे? डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूं। पहले हमारा टी शर्ट डिफ्यूज़ यहाँ पे सेव हुआ था, अब इसके बगल में मैं बम्प भी सेव कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर राइट क्लिक के साथ मटेरियल एट्रीब्यूट पे चलते हैं। राइट क्लिक के साथ मटेरियल एट्रीब्यूट पे चलेंगे। यहाँ पे मैं सबको बंद कर देता हूँ। पहले बेस, स्पेकुलर, ट्रांसमिशन, सब सरफेस, कोट, एमिशन, थिन फिल्म एंड ज्योमेट्री, ठीक है। ये सारे के सारे आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं। कहाँ पे? स्टैंडर्ड सरफेस वन जो इसका मटेरियल है उसके एट्रीब्यूट में हम आए, तो यहाँ पे आपको जाना है ज्योमेट्री टैब में। हियर ज्योमेट्री टैब में जाना है। ज्योमेट्री टैब में आपको मिलेगा बम्प मैपिंग। बम्प मैपिंग के सामने चेकर बॉक्स मिलेगा, इसके ऊपर आपको करना है क्लिक, फाइल एंड इस तरह से अगर आ रहा है तो एक स्टेप बैक चले जाएंगे यहाँ से। अगेन यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा फोल्डर। फिर उसके बाद डेस्कटॉप पे जाना है अपने को। यहाँ पे डेस्कटॉप टी शर्ट बम्प जहाँ पे भी आपने सेव किया है, और यहाँ पे कर देंगे ओपन। जैसे ही मैंने ओपन किया, ये देख रहे हैं ये रिंकल्स इसके ऊपर आ चुके हैं और ये रिंकल्स बहुत ज़्यादा हैं अभी। ओके, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इस पर निकल के आ गए हैं। सो हमें कम चाहिए, ठीक है, हमें कम चाहिए। ये इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मतलब ये जो वाइट है ना, इसे हमें और थोड़ा सा ब्लर करना पड़ेगा। फिल्टर ब्लर, गॉजियन ब्लर, इतना कर देते हैं। चलो ओके, ये वैल्यू हो गई। फिर से इसे करते हैं सेव डेस्कटॉप पे। इसी फाइल के ऊपर टी शर्ट बम्प जो है, इसी फाइल के ऊपर चाहिए तो रिप्लेस कर दो, नहीं तो बम्प 01 करके अलग फाइल ले लो, तो दोनों में फर्क मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब वापस से आते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट। देखिए जितना ज़्यादा वाइट उतना ज़्यादा उठ के आएगा, ये बहुत ध्यान में रखना है आपको। जितना ज़्यादा वाइट वैल्यू रहेगी उतना ज़्यादा उठ के आने वाला है वो टेक्सचर, और जितना ज़्यादा ग्रे ग्रे की तरफ रहेगा। अब ये देखें, बहुत थोड़ा सा आया है, बहुत थोड़ा सा यहाँ पे रिंकल्स आपको बहुत थोड़ा सा दिख, बहुत थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ा हो गया। फिर से चलता हूँ मैं, और इस बार मैं इससे फिर से वाइट करना है तो इमेज में इसका ब्राइटनेस बढ़ाने की कोशिश करता हूँ ज़रा। फाइल सेव एज JPEG डेस्कटॉप पे 02 सेव।
अब फिर से इसके जो रिंकल्स जो आए हैं कम है, जो अगर और थोड़ा वाइट हो जाता तो ठीक ठाक से आ जाता। 02 वाला पेस्ट कर देते हैं इस पर। हाँ ठीक है, अभी आ गया देखो। ठीक है, ये देख रहे हैं इसके ऊपर रिंकल्स जो है वो आ चुका है यहाँ पे। ये देखो पीछे भी आ गया है, पीछे भी आया है और आगे की तरफ भी यहाँ पे आ गया है यहाँ पे। ठीक है, रिंकल्स यहाँ पे बन के आ रहे हैं थोड़े थोड़े, पीछे की तरफ ये दिख रहा है ठीक से। तो अगर आपको बम्प यूज करना है तो वैल्यू वाइट रखेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा, और अगर वही ब्लैक कर देते हैं तो वो अंदर की तरफ, जो अंदर की तरफ चला जाएगा वो। ठीक है, सो ये टी शर्ट का जो रिंकल्स है वो मुझे ठीक ठाक लग रहा है। आप लोग भी इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं बम्प मैपिंग का। ठीक है गाइस, तो बम्प मैपिंग आप सब ट्राई करें। कहीं पे अगर डाउट आती है तो आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, मैं उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके सो गाइस, आज के बम्प मैपिंग में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टेक्निक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।